तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सच्ची घटना है। मुजफ्फरनगर एरिया में एक हीरा बैंड है, हीरा बैंड, तो उसका जो मालिक है वो मुसलमान है। अब जैसे ही घुड़चढ़ी होते होते मंदिर पर पहुँचती है, तो वो बैंड बाजा छोड़ के मंदिर में जाता था और माथा टेक कर आता था। तो हिंदू लोगों में उसकी एक बहुत अच्छी छवि बनी और भरमार लग गई, हीरा बैंड को ही हम करेंगे, हीरा बैंड वाला जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, दिल से बहुत अच्छा आदमी है, वो हमारे धर्म की भी रिस्पेक्ट करता है। अब ऐसे होते होते हीरा बैंड की बहुत सारी शाखाएं बन गई। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों का एक सवाल आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे लगा कि इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रश्नों की भरमार है और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि वो एक मस्जिद में गए तो नरेंद्र मोदी जी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, मस्जिद में जाकर उन्होंने इस्लाम के विषय में बहुत अच्छी बातें भी कहीं, मोहम्मद साहब के विषय में तो पहले ही बोल चुके हैं, और अब ये देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, तो हम हिंदू लोग अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। वोट कहीं भी कीजिए, वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन झूठ बोलकर या फिर गलत बात को अपनी तरफ से सही बनाकर, कोशिश करके या किसी के कैडर की बातों में आकर या फिर देश विरोधी ताकतों की बातों में आकर यदि आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। वोट किसी को भी कीजिए, उससे किसी को भी कोई गुरेज नहीं है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब हिंदू भाइयों के लिए, जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी भाई बोलते हैं, इन सब भाइयों की एक पहचान है कि गले में भगवा कपड़ा डाल लेने से और तिलक लगा लेने से इतिश्री हो जाती है पूरे हिंदुत्व की, यहीं पर आकर इनका पूरा हिंदुत्व समाप्त हो जाता है। जब मनुस्मृति के ऊपर, जब वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर आक्षेप हो रहा होता है, तब ये चिरनिद्रा में सो रहे होते हैं, कूलर एसी लगाकर ये कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, आराम से मजे लेते हैं ये पीस टीवी पर जाकिर नाइक के, ये आराम से मजे लेते हैं। जब ईसाई लोग धर्मांतरण कर रहे होते हैं भारत में, इनको दो ही काम आते हैं, गाली देना और लड़ना, लड़वाना, सिर्फ इसके अलावा इनके पास में ना शास्त्रार्थ की कोई बात है, ना ही इनके पास में अपनी कोई सोच विचार धारा है। तो आंसर मैं देता हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने इसका आंसर मांगा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सच्ची घटना है। मुजफ्फरनगर एरिया में एक हीरा बैंड है, हीरा बैंड, वो शादियों में जो बाजा वाजा जो बजाते हैं, तो उसका जो मालिक है वो मुसलमान है। अब जैसे ही घुड़चढ़ी होते होते मंदिर पर पहुंचती है, तो वो बैंड बाजा छोड़ के मंदिर में जाता था और माथा टेक कर आता था। तो हिंदू लोगों में उसकी एक बहुत अच्छी छवि बनी और भरमार लग गई, हीरा बैंड को ही हम करेंगे, हीरा बैंड वाला जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, दिल से बहुत अच्छा आदमी है, वो हमारे धर्म की भी रिस्पेक्ट करता है। अब ऐसे होते होते हीरा बैंड की बहुत सारी शाखाएँ बन गई, उसने बहुत सारी ब्रांचेस खोल दी, क्योंकि भरमार बहुत होती थी, अब एक ही बंदा था तो कहाँ कहाँ जाता, और अपनी जो कीमत थी वो उसने बढ़ा दी, सिर्फ किस लिए, क्योंकि वहाँ आकर व्यक्ति ने मंदिर में माथा टेक दिया और हमारे जो हिंदू भाई थे वो खुश हो गए और उसको माला माल कर दिया। तो इतना सा हिंदुत्व है कि आप जाइए माथा टेक दीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, और इनको लूट लीजिए, ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं। बात बहुत बुरी लगेगी, वाकई में बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सच्ची बात हमेशा कड़वी ही होती है, वो शुरुआत में बुरी ही लगती है। तो जब एक मंदिर में माथा टेकने वाले व्यक्ति को हम इतनी तूल दे सकते हैं, तो क्या आपने जाना कि जहां जिस मस्जिद में मोदी गए थे वो कौन से देश की मस्जिद थी, वो इंडोनेशिया की मस्जिद थी। और इंडोनेशिया को मैं बहुत काफ़ी करीब से जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो इंडोनेशिया में ही रहते हैं, और इंडोनेशिया से उनका भी काफ़ी लंबे समय से रिश्ता रहा है, नाता रहा है। सबसे पहले जब मेरे भाई साहब इंडोनेशिया से भारत वापस आए थे, तो मेरे लिए काफ़ी सारे वहाँ से गिफ्ट्स लेकर आए थे, उनमें से एक गिफ्ट मेरे पास में अभी भी है, ये है कीरिंग, और ये इंडोनेशिया इसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसमें बीच में क्या बना हुआ है, ये है गरुड़ा।
गरुड़, जिसको हम हमारे यहाँ हिंदू भाई जो हैं वो विष्णु जी की सवारी मानते हैं, इसको वहाँ पूजा जाता है। इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर शरिया कानून नहीं है और जहाँ के मुसलमान पहले बौद्ध बने और उसके बाद में मुसलमान बने, और वो खुले तौर पर कहते हैं कि हम मुसलमान भले ही बने हों लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। इंडोनेशिया के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपके सामने आज रखूँगा, ख़ास तौर पर हमारे कट्टर हिंदू भाइयों के सामने ये सारी जानकारी मैं रखूँगा, सारी की सारी मैं नोट करके लेके आया हूँ। इंडोनेशिया में शरिया कानून नहीं है। भगवान कार्तिकेय का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में ही है। मंदिर के ऊपर कहीं पर भी मस्जिद नहीं बनाते हैं इंडोनेशियन मुस्लिम्स। यदि उनको मस्जिद बनानी होती है तो वो मस्जिद अलग से बनाते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा देश जो है वो इंडोनेशिया है, और वहाँ पर जितने मस्जिद हैं उतने ही वहाँ पर मंदिर भी हैं, और ये सभी मुसलमान लोग मंदिर में पूजन करने के लिए भी जाते हैं। मुस्लिम ही खुद करते हैं रामलीला। आपके हिंदुस्तान में हमारे कट्टर हिंदू भाई नहीं करते होंगे इतनी बड़ी रामलीला जितने कि वहाँ के मुसलमान लोग करते हैं रामलीला। वहाँ के नोटों पर है श्री राम की तस्वीर, श्री गणेश जी की तस्वीर, गरुड़ जो उनकी एयरलाइंस का नाम है। आपके हिंदुस्तान में गरुड़, विष्णु, शिव, ब्रह्मा या ईश्वर किसी के नाम से भी अगर कोई भी एयरलाइंस हो तो आप मुझे प्लीज़ कट्टर हिंदू भाई कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएं, लेकिन ये मुसलमानों के देश में गरुड़ के नाम से एयरलाइन है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की जो हैं उनमें से एक है त्रिशक्ति। त्रिशक्ति किसको कहते हैं हमारे कट्टर हिंदू भाई जानते होंगे। अगर आप वहाँ किसी को गणेश की फ़ोटो दिखाते हैं तो वो आपको गणेश जी के विषय में आपसे ज़्यादा जानकारी दे देंगे, आपसे ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे, और वो उनको साइंस एंड नॉलेज का देवता मानते हैं। वहाँ उनको मानते हैं और उसको जानते भी हैं, हमारे यहाँ सिर्फ मानते हैं जानते नहीं हैं। वो देवताओं को पूजते नहीं, उनको मानते हैं, उनको वो जानते हैं। छोटे छोटे उपहार जो हैं वो कृष्ण, राम और गरुड़ के फोटो के साथ में है। सीता को वो प्रेम की प्रतिमूर्ति मानते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ पर आपको गणेश जी की तस्वीर मिलेगी। एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरलाइंस है। दोनों जगह के मुसलमानों के व्यवहार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो केवल कलमा नहीं पढ़ते, साइंस पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, साइंस नहीं पढ़ते। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो जितने भी कट्टर हिंदू भाई इस प्रकार की बातों को करते हैं, फैलाते हैं, नफ़रतों को फैलाते हैं, बातों को सोचे समझे बिना ही अपना एजेंडा चलाते और अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, उस पर गर्व करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आशा करता हूं कि उनकी आंखें खुलेंगी और वो इस झूठ को फैलाना बंद कर देंगे। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।